देश में टीकाकरण की उपयोगिता को प्रसारित कर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के नाम से भी जाना जाने वाला ये अभियान इस बार कोरोना काल के चलते और महत्वपूर्ण हो गया। भारत में इस वक्त विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत भारत में 16 मार्च 1995 को पोलियो ओरल वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, जिसके बाद से 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसी अभियान के तहत अब अन्य संक्रामक रोगों के खिलाफ भी टीके लगाए जाते हैं। पोलियो को भारत से खत्म करने में ये अभियान पूरी तरह सफल कहा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में आखिरी पोलियो का मामला 13 जनवरी 2011 को सामने आया था और साल 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया।